ब्रॉट टू यू बाय इन्फिनिक्स। आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली, टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। ये बताइए परवेज साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। एक यहाँ पे बड़ा हल्ला कटा था, लोगों ने बड़ा गूगल किया ब्रेक्सिट, फिर उसके बाद एक मीम चला था यहाँ हिंदुस्तान, बड़ा पॉपुलर, एक छोटा बच्चा है रोता हुआ जा रहा, कह रहा मेरे से गलती हो गई, मुझे मारो। ब्रेक्सिट को लेकर जोक्स अपार्ट, अभी क्या डिस्कोर्स चल रहा है? ब्रेक्सिट ने इस देश को पूरी तरह से थोड़े थोड़े टुकड़ों में बिल्कुल बांट के रख दिया। मतलब ये तो अपनी जगह तय है। मेरी अपनी एनालिसिस ये कहती है, जो तज्जिया है, विश्लेषण है, वो ये है कि 2016 में डेविड कैमरन जो देश के प्रधानमंत्री होते थे, कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे, उन्होंने रेफरेंडम कराया और रेफरेंडम में ये बात हुई कि सब लोगों ने ऑप्ट किया कि हम ब्रेक्सिट यानी कि यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए कि हमारी जो प्रभुसत्ता है, सॉवरेंटी है, उसको यूरोप से खतरा है। बहुत सारी बातें हुई और उसमें जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह के झूठ बोले गए दोनों पक्षों की तरफ से, खासतौर पर उन लोगों की तरफ से जो ब्रेक्सिट चाहते थे और बहुत ही एक्सट्रीम राइट विंग को देश को ले गए थे। एक बहुत बड़ा फैक्टर तो उसमें यह था कि इमिग्रेंट्स आए चले जा रहे हैं, जो यूरोपियन यूनियन है वो अपने बॉर्डर्स खोल रहा है। कल को अगर आप फर्ज कीजिए रोमानिया में हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं, किसी तरह से रोमानिया पहुंच जाइए, किसी तरह से बल्गेरिया पहुंच जाइए, किसी तरह से हंगरी आ जाइए, या जो भी बॉर्डर्स जो भी मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, और उसके बाद में यूके में आ जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम में आ जाएंगे। ये देश क्योंकि छोटा है, आइलैंड है, एक हमेशा से इसकी ज़हनियत थोड़ी सी इस मामले में रही है कि लोग आ जाएंगे तो जगह कहाँ है, जमीन ही नहीं यहाँ पे रहने के लिए, उस तरह की कहीं ना कहीं भावना थी। तो उस वजह से इन्होंने ज्यादातर लोगों ने ज्यादातर क्या मतलब थोड़ी सी परसेंटेज ने ये फैसला किया कि नहीं, देश को अब यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना है। उससे हुआ ये कि कंजर्वेटिव पार्टी है उसमें दो ग्रुप थे, लगभग यूं समझ लीजिए 50% 51% 49% और 51% का फर्क होगा, इस तरह का कुछ था मामला कि कौन ब्रेक्सिट चाहता है, कौन रिमेनर है यानी कि ईयू में चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि लेबर पार्टी में भी दो खेमे थे कि आधे लोग चाहते हैं कि वो यूरोपियन यूनियन में रहें और बाकी लोग चाहते हैं कि वो निकल जाए, ब्रेक्सिट कर जाए। लिब डेम्स का भी ज्यादातर में यही हाल था किसी हद तक, और दूसरी पार्टियों में भी। तो मतलब क्या हुआ कि देश कैसे बटा कि पार्टियां अपने आप में बट गई, मतलब उनके अंदर ही कई फैक्शंस हो गए। तो 2016 में जो हुआ ये ब्रेक्सिट और उसका फैसला, उसके जो रिपरकशंस हैं आज ये देश उसको भुगत रहा है। मैं अपने मतलब थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जाहिर कर देता हूं कि मैं ब्रेक्सिट के खिलाफ था, मैंने यहाँ पे जब वोट डाला तो मैं रिमेनर था और मैं यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने रहना चाहता था इस देश को, क्योंकि मैं ये समझता था कि अगर आप किसी बड़े एक देश का हिस्सा हैं तो जाहिर सी बात है आपकी पॉलिसीज भी उसी हिसाब से काफी वाइड इन होती हैं, आप खुले दिमाग के होते हैं। ह्यूमन राइट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो यूरोप के ज्यादा अच्छे हैं, इस मुल्क के इतने अच्छे नहीं हैं। बहुत सारी जो वर्किंग कंडीशंस हैं यूरोप में ज्यादा बेहतर हैं। यूके जो है वो सिमटना चाहता है अपने आप में कि मेरा पाउंड जो है कहीं यूरोप में ना बदल जाए, मतलब यूरो में ना बदल जाए। तो ये थोड़ी सी तंग नजर और तंग जहनियत वाला मामला था ब्रेक्सिट में होने। अब ब्रेक्सिट तो हो गया, हकीकत है, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, इस देश में भी स्वीकार कर लिया, लेकिन हमसे ये वादा किया गया था यानी इस देश में जो रहने वाले लोग हैं कि ब्रेक्सिट होगा तो ये समझिए देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। इस देश में जगह जगह खुशहाली के गाने गाए जाएंगे, इस देश में यूनिवर्सिटीज की फंडिंग आसमान पे पहुंच जाएगी, इसलिए हम जो पैसा देते हैं वो यूरोपियन यूनियन वाले ले जाते हैं, इस देश में बॉर्डर्स बड़े सिक्योर होंगे, कहीं कोई फालतू के लोग यहाँ पे बाहर नहीं आ सकेंगे। हुआ कुछ भी नहीं, स्थिति बद से बदतर होती चली गई। मतलब ये कि जो लोग पहले आते थे जो अब वो बेचारे और ज्यादा बड़ी तादाद में आने लगे, मतलब ये कि बोट से जो नौकाएं होती है ना फ्रांस के जरिए से और बहुत सारे जो पानी है बीच में, वहां एक बड़ी तादाद में जो वो लोगों का आना शुरू हो गया। तो ब्रेक्सिट ना तो उनको रोक सका, ब्रेक्सिट जो देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति थी उसको नहीं रोक सका, और देश जो है वो अपने बॉर्डर को भी इसलिए सिक्योर नहीं कर सका कि जैसे एक यहाँ पे बहुत टेक्निकल मामला है, बस मैं ये कह के फिर खामोश हो जाऊंगा, वो मामला ये है कि यहाँ नॉर्दर्न आइलैंड है। अब नॉर्दर्न आइलैंड जो है ये देश मतलब टूट जाएगा, बिखर जाएगा जिस दिन ये कहेगा कि नॉर्दर्न आइलैंड हमारा हिस्सा नहीं है। तो कहते हैं नॉर्दर्न आइलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, अटूट अंग है। अब उसमें हुआ ये कि जो नॉर्दर्न आइलैंड है वो लैंड लॉक्ड है एक लेवल पे कि
उसका जो उसकी जो जमीन है, उसका जो लैंड है, वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से मिलता है और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन में है। तो ब्रिटेन में जब आप जाते हैं ब्रिटेन से, यानी यहां लंदन से मिसाल के तुम नॉर्दर्न आयरलैंड, तो कोई वीजा नहीं है, कोई चेक पोस्ट नहीं है, कोई बॉर्डर्स नहीं है, इसलिए कि एक मुल्क है। लेकिन वहां पे एक अरसे से ये चला आ रहा है, एक परंपरा है, एक कन्वेंशन है कि नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच में भी वीजा नहीं है, कोई बॉर्डर चेक पोस्ट नहीं है। मतलब ये है कि अगर आपने यहां से कोई सामान भेजा तो आप नॉर्दर्न आयरलैंड भेजेंगे, लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि नॉर्दर्न आयरलैंड से वो सामान जो है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में चला जाए। तो यूरोपियन यूनियन को इस बात पे सख्त एतराज है कि या तो आप बॉर्डर कंट्रोल लगाएं वहां पे, यानी इसलिए कि जब आप हमसे अलग हो गए, ब्रेक्सिट हो गए, आपने ईयू से नाता तोड़ लिया, तो ये आपने क्या झिरी खोल रखी है जिसके जरिए से आप इधर आते हैं इधर जाते हैं। तो इस देश के सामने एक बड़ा भारी संकट ये भी है हर्ष भाई, जो आपने सारी बातें गिनाई थी वो बिल्कुल ठीक कही थी, लेकिन एक चीज इसमें ये भी जोड़ दीजिए कि नॉर्दर्न आयरलैंड का खतरा इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऋषि सुनक के सामने भी वो बहुत बड़े संकट की तरह से, इसलिए वहां पे अब फिर से ताजा इलेक्शन होने वाले हैं नॉर्दर्न आयरलैंड में। तो ये वो सारे चैलेंजेस हैं जो ऋषि सुनक के हिस्से में आए हैं।